के लिए राजीव गांधी का योगदान, राजीव गांधी क्यों आए राजनीति में, राजीव गांधी पर बवाल क्यों, किस अपराध की मिली उन्हें सजा। नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में। मैं हूँ वैशाली। कुछ लोग जमीन पर राज करते हैं और कुछ लोग दिलों पर भी। जी हाँ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव रत्न गांधी उर्फ राजीव गांधी उन्हीं में से एक थे। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ। पूरा देश उनकी जयंती सद्भावना दिवस के तौर पर मनाती है। आइए जानते हैं कि भारत के लिए राजीव गांधी का क्या योगदान रहा। राजीव गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जमीन पर ही नहीं बल्कि दिलों पर भी हुकूमत की। वो भले ही इस दुनिया में आज नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। राजीव गांधी ने 19वीं सदी में 21वीं सदी के भारत का सपना देखा था। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले राजीव गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे। वो बार बार कहते थे कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के साथ ही उनका अन्य बड़ा मकसद 21वीं सदी के भारत का निर्माण है। अपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने देश में कई क्षेत्रों में नई पहल की, जिनमें संचार क्रांति और कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार, पंचायती राज आदि शामिल है। वो देश की कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। वो युवाओं के लोकप्रिय नेता थे। उनका भाषण सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार किया करते थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसका असर देश के विकास में देखने को मिल रहा है। आज हर हाथ में दिखने वाला मोबाइल उन्हीं फैसलों का नतीजा है। 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने सरकार की अगुवाई की है। उनकी मां श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तब वो उनसे उम्र में सिर्फ 8 साल बड़ी थी। उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू 58 साल के थे जब उन्होंने आजाद भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उनके सहपाठियों के मुताबिक उनके पास दर्शन, राजनीति या इतिहास से संबंधित पुस्तकें न होकर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की कई पुस्तकें हुआ करती थी। आइए जानते हैं देश को राजीव गांधी के 5 बड़े योगदान। राजीव गांधी ने अर्थव्यवस्था के सेक्टर को खोला। 1988 में की गई उनकी चीन यात्रा ऐतिहासिक थी। राजीव ने पंचायती राज के लिए विशेष प्रयास किए। अगले दशक में होने वाली आईटी क्रांति की नींव राजीव गांधी ने ही रखी। मतदान उम्र सीमा 18 साल की और ईवीएम मशीनों की शुरुआत की। आखिर क्यों आए राजीव गांधी राजनीति में? देश में पीढ़ीगत बदलाव के अग्रदूत राजीव गांधी को देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश हासिल हुआ था। अपनी मां के कत्ल के बाद 31 अक्टूबर 1984 को वे कांग्रेस अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री बने थे। अपनी मां की मौत के सदमे से उबरने के बाद उन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया। दुखी होने के बावजूद उन्हें अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए देखा गया। महीने भर की लंबी चुनावी मुहिम के दौरान उन्होंने पृथ्वी की परिधि के 1.5 गुना के बराबर दूरी की यात्रा करते हुए देश के तकरीबन सभी हिस्सों में जाकर 250 से ज्यादा जनसभाएं की और लाखों लोगों से वो रूबरू हुए। उस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिली और पार्टी ने रिकॉर्ड 401 सीटें हासिल की। 70 करोड़ भारतीयों के नेता के तौर पर इस तरह की शानदार शुरुआत किसी भी हालत में काबिले तारीफ मानी जाती है। ये इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि वो उस सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसकी 4 पीढ़ियों ने जंगे आज़ादी के दौरान और इसके बाद हिंदुस्तान की खिदमत की थी। इसके बावजूद राजीव गांधी सियासत में नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो सियासत में देर से आए। 23 जून 1980 को एक जहाज हादसे में उनके भाई संजय गांधी की मौत ने सारे हालात बदल कर रख दिए। उन पर सियासत में आकर अपनी माँ की मदद करने का दबाव बन गया। फिर कई अंदरूनी और बाहरी चुनौतियां भी सामने आई। पहले उन्होंने इन सब का काफी विरोध किया, लेकिन बाद में अपनी मां की बात मानी और इस तरह वो ना चाहते हुए भी सियासत में आ गए। राजीव गांधी पर बवाल क्यों? ये भाषण देते थे कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे
वो हिंदुस्तान में कंप्यूटर युग लाए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस देश में मोबाइल फोन लाए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस देश के गरीबों के हाथ में उन्होंने मोबाइल फोन दे करके एम्पावरमेंट किया, यही भाषण ये लोग करते थे। लेकिन अब जब मैं कह रहा हूं कि मोबाइल फोन को बैंक बना दो तो कहते हैं मोबाइल फोन है ही कहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में जब देश के दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी घसीट लिया तो चुनावी राजनीति में भूचाल ही आ गया। मोदी ने उन्हें पहले तो भ्रष्टाचारी बताया और फिर ये भी कहा कि वो राजीव गांधी पर और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। उनका संकेत भोपाल गैस त्रासदी और सिख दंगों की ओर था। मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो गांधी परिवार युद्धपोत INS विराट का उपयोग निजी टैक्सी के रूप में करता था। इससे पहले भी मोदी ने राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर एक करार दिया था। दिल्ली में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस से सवाल किया था कि जिस नेता के नाम पर वे वोट मांगते हैं जब उनके कुकृत्यों को बेनकाब किया जाता है तो वे क्यों सुलग जाते हैं। प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि राजीव गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार और नौसेना के उनके परिवार एवं ससुराल पक्ष की मेजबानी की और उनकी सेवा में एक हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि INS विराट का इस्तेमाल एक निजी टैक्सी की तरह करके इसका अपमान किया गया। ये सब तब हुआ जब राजीव गांधी एवं उनका परिवार 10 दिनों की छुट्टी पर गए हुए थे। INS विराट को हमारी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए तैनात किया गया था, किंतु इसका मार्ग बदलकर गांधी परिवार को लेने के लिए भेजा गया जो अवकाश मना रहा था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि गांधी परिवार को लेने के बाद INS विराट 10 दिनों तक द्वीप पर ही खड़ा रहा। अपने प्रधानमंत्री काल में राजीव गांधी ने नौकरशाही में सुधार लाने और देश की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण के लिए कारगर कदम उठाए, लेकिन पंजाब और कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन को नाकाम करने की उनकी कोशिश का बुरा असर हुआ। वो सियासत को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते थे, लेकिन ये विडंबना है कि उन्हें भ्रष्टाचार की वजह से ही सबसे ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा। आखिर किस अपराध की मिली उन्हें सजा? साल 1987 में भी श्रीलंका में राजीव गांधी पर हमला किया गया। ये हमला श्रीलंकाई नौसेना के जवान विजेता रोहाना विजय मुनि ने राइफल की बट से उस वक्त किया था जब श्रीलंका में शांति सेना भेजने के बाद राजीव गांधी वहां के दौरे पर गए थे। इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के दौरान राजीव गांधी सैनिकों के काफी करीब पहुंच गए थे, तभी उसने ये हमला किया। हालांकि राजीव गांधी के सुरक्षा कर्मी की सजगता से वो इस हमले से बाल बाल बच गए। 1979 में उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो कांग्रेस के पार्टी के नेता पद पर बने रहे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारतीय सेना द्वारा बोफोर्स तोप की खरीदारी में उनके द्वारा लिए गए कमीशन का मुद्दा उछला, जिसका मुख्य पात्र इटली का एक नागरिक ओटावियो कोत्रोची था। अगले चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। अगले चुनावों में कांग्रेस के जीतने और राजीव गांधी के पुनः प्रधानमंत्री बनने की संभावना बहुत कम थी। उसी वर्ष आगामी आम चुनाव के प्रचार के लिए 21 मई 1991 को तमिलनाडु गए थे। 10:10 पर राजीव गांधी श्री पेरबंदूर पहुंचे। सबसे पहले मंच पर पहुंचे पुरुष समर्थकों से मिलने के बाद राजीव ने महिलाओं की तरफ रुख किया। तभी 30 साल की एक लड़की चंदन का एक हार लेकर राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। उस समय मंच पर राजीव के सम्मान में गीत गाया जा रहा था, राजीव का जीवन हमारा जीवन है। उसके बाद देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने कई साहसिक कदम उठाए, जिनमें श्रीलंका में शांति सेना का भेजा जाना, असम समझौता, पंजाब समझौता, मिजोरम समझौता आदि शामिल है। इसकी वजह से चरमपंथी उनके दुश्मन बन गए, शायद यही उनकी मौत की वजह बन गई। आजाद भारत स्वर्गीय राजीव गांधी के महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा। राजीव गांधी की देश सेवा को राष्ट्र ने उनके दुनिया से विदा होने के बाद स्वीकार करते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 7i न्यूज के लिए पल्लवी शर्मा की रिपोर्ट।